स्टूडेंट हाउ आर यू, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रतिशत का पार्ट नंबर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर ऐसे बेसिक कंसेप्ट करने वाले हैं जो अपन ने जितना पढ़ा उससे भी बेहतरीन पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के माध्यम से। तो ध्यान रखना, इसमें पढ़ते हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं वो अपन सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। टाइप अपना है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। परीक्षा पर आधारित प्रश्न क्या होता है? राम ने इतना परसेंट प्राप्त किया, इतने नंबर से फेल हो गया। श्याम ने इतना प्राप्त किया, उतने नंबर से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना है? पेपर की पेपर में उस राम ने कितने अंक प्राप्त किए, उसने श्याम ने कितने अंक प्राप्त किए, इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो चलो क्वेश्चन की ओर के अंदर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ध्यान, सोनू ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, कितना 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो परीक्षा में कुल पूर्णांक कितने थे? तो यहां ध्यान रखते हैं, ये अपने पास कौन है? सोनू है। सोनू ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए, यानी 30 अंक से क्या हो गया? 30 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब पूर्णांक है उस परीक्षा का, पूर्णांक इतना है 180 तो उसने प्राप्त किए, 180 अंक तो प्राप्त किए, लेकिन 30 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? 30 अंक और जुड़ जाता है, इसका मतलब क्या होगा? 210 जब नंबर आ जाते हैं किसके, जब सोनू के 210 नंबर आ जाते हैं तो सोनू क्या हो जाता? पास हो जाता। तो इसका मतलब क्या होगा? 210 पास होने के लिए कितना चाहिए? 210 चाहिए। फिर क्या, यदि परीक्षा का पूर्णांक 30% है, कितना परसेंट है? 30% पूर्णांक का, परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? तो 30% बराबर अपने पास आ गया 210। 0 से 0 ये सीधे वर्गा 7 बार, 1% बराबर अपने पास आ गया 7। कुल पूर्णांक, कुल जो पूर्णांक होता है वह पूर्णांक कितना होता है भाई? कुल पूर्णांक तो 100% होता है परीक्षा का। 100% बराबर कितना का? 1% का मान कितना है? 7। तो अपने पास 7 गुणा में क्या जाएगा? 100। अर्थात कितना बन जाएगा? 700 नंबर उसके परीक्षा का पूर्णांक था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से है। राजेश ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 72 अंक से फेल हो गया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% हो तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है? 72 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब क्या है कि वह 72 अंक से फेल हो गया, 20% उसके आए, 30% चाहिए पास होने के लिए। तो उसका मतलब क्या हुआ? 30% तो चाहिए लेकिन उसने कितना प्राप्त किया? 20%। यदि तीन दोनों का डिफरेंट कितना है? वो अपने पास से बेहतर है। कितना है? बेहतर। तो 10% बराबर कितना आ गया? बेहतर। तो यहाँ लिख लेते हैं 10% बराबर बेहतर, बेहतर 1% बराबर कितना आ गया अपने पास? बेहतर बटा 10 आ गया। 1% बराबर कितना है? बेहतर बटा 10। कुल पूर्णांक होता है, जो कुल पूर्णांक है वह होता है 100%। तो अपने पास 1% का मान है 72/10, तो 72/10 गुणा में क्या लग जाएगा? 100। 1% का मान 72/10 है तो अपने पास 100% का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? 100% का। 0 से 0 ये कितना आ गया? 720। उस परीक्षा में 720 का पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन उतारो, जल्दी उतारो भाई वीडियो का। इसका सॉल्यूशन आगे देखते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं अपन। कितने थे? 40। ये क्वेश्चन देखो, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त की। ये कौन है? सरिता है। सरिता नाम समझ गया आप, गलत फीलिंग मत लेना, माइंड में चला होगा सरिता उसकी एक्स रहेगी, इसकी रहेगी पी एक्स, ई एक्स पी एक्स नहीं रखना, क्वेश्चन सॉल्व करना है अपन को। सरिता 25% उसने प्राप्त किए, सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और वह परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई।
25% प्राप्त करने के बाद में 40 अंक से क्या हो गई, फेल हो गई। इसका मतलब यहाँ से समझते हैं, यहाँ पास पास हो रहे थे वो स्टेप है, यहाँ इससे क्या हो गई, फेल हो गई। इसका मतलब सरिता कहाँ है, यहाँ पास हो रहे थे, तो इससे 30 अंक कम लेके आई, कितना 40 अंक कम लेके आई। यानी सरिता कहाँ है, यहाँ है, समझ रहे हो, 40 अंक कम लेके आई। बाद में कहा है, उसी परीक्षा में अंकुश ने 40% प्राप्त किए, यहाँ 25% प्राप्त कर लिया इसने और फेल हो गई। अंकुश है यहाँ पे, कौन है, अंकुश, अंकुश है जो उसी परीक्षा में था, 40% अंक प्राप्त किया इसने, 40% अंक प्राप्त किया और पास होने उतना 40% अंक प्राप्त किया और 35 अंक अधिक लेके आया, कितना लेके आया 35, कितना लेके आया 35, यहाँ 35 लेके आया। तो सरिता और अंकुश के जो अंकों में डिफरेंट है, 35 तो ऊपर था और 40 नीचे है, समझे इस चीज को, 35 तो ऊपर और 40 से नीचे। तो इसकी मेन ट्रिक क्या होती है, प्रतिशत में अंतर बराबर होता है संख्या में अंतर, या अंकों में संख्या में अंतर, या बोल सकते हैं अंकों में अंतर। प्रतिशत में अंतर कितना हो गया भाई, ये 40%, ये कितना है 25%, ये 40%, ये कितना है भाई 25%, बराबर संख्या में अंतर, संख्या में अंतर, 35 ऊपर था 40 नीचे था, तो 35 प्लस कितना हो जाएंगे 40, डिफरेंट यहाँ पास हो रहे थे इस नीचे और इससे ऊपर, तो इतना 15 आ गया, ये कितना हो गया 75 हो गया, ये इससे कितनी बार कटा 5 बार, 15 75, 1% बराबर अपने पास कितना आ गया 5। पूर्णांक होता है कुल पूर्णांक होता है अपने पास 100%, तो 500 हो जाएगा, 1% बराबर कितना आ गया 5, 100% बराबर कितना आ जाएगा 500। यदि यही बात ये पूछता उत्तीर्णांक, उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए निके लिए अंक कितना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछता, इस क्वेश्चन ने पूछा वहां तक जवाब हो गया। यदि यही क्वेश्चन ये पूछता उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो ध्यान रखना है 500 का 40% बटे 100, 500 का 40% आ रहा है और 35 माइनस कर दें, यानी 35 ऊपर गया नहीं गया, तो 35 माइनस कर दें 00 से 00, ये कितना हो गया 200 माइनस 200 हो गया ना, ये 00 कट गया, 40 को 5 करना, 200 माइनस 35 अर्थात कितना हो जाएगा 165 अंक पर क्या हो रहा था, पास पास हो रहा था, यानी बाई ग्रेस, जिसके ग्रेस में नहीं लग रहा था, पास पास, पास पास चलती है ना, वो एक सुपर वगैरह चलती है ना पास पास, वो जा रहा है पास पास हो रहा था 165 पे, इस टाइप से क्वेश्चन ने था। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 500 का पेपर था, इस क्वेश्चन ने क्या पूछा था पेपर कितने का था, 500 का था, क्या था इसका, प्रतिशत में अंतर बराबर क्या होता है अंकों में अंतर या संख्या में अंतर बता सकते हैं, 40 25 में 15 का अंतर है, ये जुड़ गए, एक ऊपर था एक नीचे था, ऊपर और नीचे तब क्या हो जाते जुड़ जाते हैं, तो हो गया चीज। इस क्वेश्चन का आंसर पूर्णांक कितना था 500, यदि यह पूछता उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, तो 500 का 40%, ये 35 अबव हो तो 35 कम कर लिया तो कितना आ गया 165, या ऐसे भी कर सकते इसको 500 का 25%, 500 का 25% निकाले, 500 का 25% 00 00 कट जाएगा, 125 आ गया और 40 अंक कम थे इसका मतलब पास हो रहा था, इसका मतलब 165 तभी 165 ही आता, इस टाइप से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, लोकेश ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे, लोकेश कोई परीक्षा दी उसने 40% अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए जो पास हो रहा था उससे कितने अधिक थे, कितने अधिक थे भाई 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा में प्रति उत्तीर्णांक यानी जो कैंडिडेट पास हो रहा था वो कितना था 30% से था, तो ध्यान रखना है ये तो हो रहे थे पास और ये हो गई थी पास से अधिक,
तो यहाँ पर पास कितना हो रहा था 30 पर, लेकिन इसने क्या किया 40% अंक प्राप्त कर लिए और अंक भी अधिक लेके आया, अंक अधिक, तो अधिक कितना लेके आया 30 अंक अधिक लेता हो। तो अपने पढ़ा है अधिक, अधिक किसको नोट करता है, अंतर को नोट कर, कम अधिक दायां बायां अंतर को नोट, इन दोनों में अंतर कितना है 40% माइनस 30% बराबर कितना आ गया अपने पास 30 अंक, 10% बराबर कितना आ गया अपने पास 30%, 30 अंक अधिक है नहीं है अधिकम, तो आप जानते हो 10% बराबर मेरे पास 30 है, 1% जीरो से जीरो कट गया, अर्थात 1% बराबर मेरे पास कितना आ गया 3, तो टोटल पूर्णांक कितने का होता है 100% होता है, पूर्णांक कितने का होता है 100%, अर्थात 30 3 गुणा कितना आ गया 100, अर्थात कितना हो गया 300 का हो गया। क्लियर है चीज। दूसरा क्वेश्चन देखो, भावेश ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, जो भावेश जो लड़का है कोई परीक्षा दी उसने 25% अंक प्राप्त किए और जो उत्तीर्णांक से 20 अंक कम लेके आई, नहीं वो स्ट्रक्चर बनने वाली है, यहाँ पास पार होते, यहाँ भावेश है, कौन है भाई भावेश, यहाँ से कितना होता 25% अंक प्राप्त किए इसने, 25 अंक प्राप्त किए और वह पास होने से 20 अंक कम लेके आया, 20 अंक क्या है कम है, और जीतू ने उसी परीक्षा में क्या किया 35% अंक प्राप्त किए, 35% कौन ये जीतू ने 35% अंक प्राप्त किए और पास होने से 8 अंक अधिक लेके आया, इसका मतलब पास होने से 8 ज्यादा है, ये पास होने से 20 अंक कम है, तो बात करें परसेंटों का अंतर, तो अपने यहां लिख लेते हैं प्रतिशत में अंतर बराबर क्या होगा भाई अंकों में अंतर, तो 25 और 35 का अंतर कितना आ गया 35 माइनस 25 बराबर कितना आ जाएगा 8 ऊपर और 25 20 नीचे, तो कितना आ गया 8 + 20 कितना अंतर आ गया 10% बराबर कितना आ गया 28, 1% बराबर चाहिए अपन को, तो 28/10 आ गया। पूर्णांक कितने का होता है, जो पूर्णांक होता है वो अपने पास 100% होता है, 1% का मान आपके पास है 28/10, तो गुणा में क्या आ जाएगा 100, जीरो से जीरो, ये कितना मतलब कितना हो गया 28 को 10 से गुणा करेंगे तो 280 अंक से क्या हो रहा था पास हो रहा था। क्लियर है चीज। तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, क्वेश्चन क्या मैं बोल देता हूँ, प्रवीण ने किसी परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, प्रवीण जो है किसी परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए परंतु वह 25 अंक से फेल हो गया, 30 अंक प्राप्त किए 25 अंक से फेल हो गया, उसी परीक्षा में सुमन ने 45% अंक प्राप्त किए 20 अंक से फेल हो गई, यानी प्रतिशत में अंतर 45 और 15 का अंतर कितना आ जाएगा 45 और 30 का अंतर कितना आ गया 15, ये दोनों अंक क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे 15% बराबर कितना आ जाएगा 45, तो अपन इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है चीज। तो इसको वीडियो को ज्यादा शेयर करना, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई दोस्तों, इस क्वेश्चन के टाइप से भगना नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें बेसिक कंसेप्ट आप समझना है इसका कैसे करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो चलिए चुटकियों की ओर अपने इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी परीक्षा में 30% संस्कृत में 30% छात्र संस्कृत में 30% छात्र संस्कृत में और बात करें अंग्रेजी में तो अंग्रेजी में कितने हुए 25%, 30% छात्र संस्कृत में और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, क्या हो गई फेल, दोनों में किसमें दोनों में संस्कृत प्लस अंग्रेजी दोनों में कितने हो गए थे, किसी परीक्षा में 30% छात्र संस्कृत में 25% छात्र अंग्रेजी में हुए, यदि दोनों विषय में 10% छात्र कितने परसेंट छात्र 10% छात्र अनुत्तीर्ण है, दोनों विषय में कितने हुए, दोनों विषय में कितने हुए, देखते हैं क्वेश्चन को क्या होते हैं, दोनों में अनुत्तीर्ण इनको जोड़ दो 30, ये भी अनुत्तीर्ण ये भी अनुत्तीर्ण, कॉमन कितना आता 10, वो 10 कटा दो तो 35 10 कितने हो गए 55, कितने हो गए 55, कितने हो गए 30 55
55% अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण, इसका मतलब कितना आता, कितना आ गया 45% छात्र अनुत्तीर्ण हुए दोनों विषय में। यही क्वेश्चन आपको ये पूछता, दोनों विषय में उत्तीर्ण पूछता, क्या पूछता आपको, उत्तीर्ण पूछता, तब ध्यान रखना इसको 100 में से 45 को उठा लेते तब यहां से कितना आ जाता 55। समझ गए इस चीज को, तो क्या समझा इसे, तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर तो है 45, कितने 45 क्वेश्चन का आंसर है, यदि इसी क्वेश्चन की जगह यहाँ पूछा दो कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ पूछ लेता कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तब अपन कितना बता देते 55 बता देते हैं। समझ गए इस चीज को, एक क्वेश्चन इस टाइप का और देखते हैं अपन, लिखो देखो इस क्वेश्चन को वापस देख लेना भाई अच्छी तरह, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 एग्जाम में आया क्वेश्चन है, चलो इस क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में, ये क्या लिख लेते हैं विज्ञान में, विज्ञान और क्या अपने पास है हिंदी, किसी परीक्षा में 60% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% छात्र उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, तो फेल कितने हो गए, फेल है वो कितने हो गए 40%, हिंदी में 70%, हिंदी में 70% क्या है पास है, इसका मतलब फेल कितने हो गए 30% क्या हो गए फेल हो गए। फिर क्या कहा 70% उत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ क्या बोला है दोनों विषय यानी कहने का मतलब साइंस प्लस हिंदी, दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों विषय में 15% अनुत्तीर्ण हुए, कितना लिखा है यहाँ पे 15% अनुत्तीर्ण हुए, तो 15 यहाँ पे लिख दो, 15% यहाँ लिख दिया, 15% अनुत्तीर्ण फेल वाले हैं, तो पास कितने हो गए दोनों विषय में 85% क्या हो गए पास। वापस देखो, विज्ञान में 60% पास हुए तो 40% फेल हो गए, हिंदी में 70% पास हुए तो 30% फेल हो गए, यहाँ क्वेश्चन ये दे रखा 15% अनुत्तीर्ण, इसका मतलब क्या था फेल, 15% फेल तो 85% क्या हो गए पास, ये फेल अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा हटके पूछा था, यदि अनुत्तीर्ण की संख्या 200 है तो अनुत्तीर्ण के लोग कितने हैं, अनुत्तीर्ण के 40 मैं लिख देता हूं, अनुत्तीर्ण की संख्या बराबर 40+30 और वो उधर कितने थे 15, तो ये कितने हो गए 70 माइनस 15 बराबर कितने थी 225 आ गया 220, ये कितना आ जाएगा 55% बराबर आ जाएगा 220, 1% बराबर अपने पास आ गया 220 बटे कितना जाता 55, 1% बराबर कितना आ गया 220 बटे 55, 1% बराबर कितना आया 220 बटे 55 कैसे आया, ध्यान रखना वापस देखते हैं इसको, फेल फेल वाले थे 40% 40% 30% ये था फेल, ये हो रहा था दोनों को जोड़ा माइनस करें तो कितना आ गया, ये दोनों कितने हो गए 70 में से 15 घटाया तो कितना आ गया 55, ये अनुत्तीर्ण का रिलेशन है नहीं है तो अनुत्तीर्ण की संख्या दे रही कितनी क्वेश्चन में 220, तो 55% बराबर 220, 1% बराबर कितना आ गया 55 बटा 220 बटा 55, तो अपने पास क्या पूछा है कुल, क्या पूछा इसने कुल छात्र, तो कुल छात्र बराबर आ जाएगा 220 बटा 55, अपने पास कुल छात्र होते कितने 100%, तो 100 से गुणा कर दो इसको 11 5 55, 5 बार इसमें 11 × 22 20 बार, इसका इसमें 5 का 20 बार 20 5 100 20, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 20 × 20 तो कितना आ गया अपने पास 400। समझ गए इस चीज को, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना।